everyone, I am Devashree Bhattacharya and I have joined Acting Audition Mastery course by Let's Act Academy. आज मेरा एक डे है एंड मैं इस वन वीक के एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बट उससे पहले I want to thank विनय शाक्य सर कि I never thought कि इतने अच्छे गाइड करेंगे, वो भी ऑनलाइन क्लास में. तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से गाइड किया जा सकता है एंड ट्रेन किया जा सकता है. हमें इतने अच्छे से वो समझाते हैं, इतने हेल्पफुल है, हमेशा हम सबको एनकरेज करते हैं, विच वेरी नाइस. तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक एंड नॉट ओनली विनय सर, एवरी वन इन दिस कम्युनिटी इज रियली वेरी हेल्पफुल एंड वॉर्म. सब लोग सबके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छे से उन सबकी गलतियों को बताते हैं ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें एंड सभी सबको एनकरेज करते हैं. तो इट रियली फील्स वेरी नाइस. मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ. तो स्टार्ट करते हैं डे वन से. क्या मैं हमेशा से इतनी कंफर्टेबल थी कैमरे के सामने? बिल्कुल नहीं. फर्स्ट डे में मैं जैसे ही मेरा कैमरा ऑन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगी थी एंड आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी एंड कितनी ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी. मतलब मैं बिल्कुल अपने लाइन्स मुझे बिल्कुल याद थे, बट जैसे ही मैं कैमरा ऑन करके परफॉर्म करने जा रही थी, मैं अपने लाइन्स सब भूल जाती थी एंड बिल्कुल ब्लैंक हो जा रही थी. एंड ये रहा मेरा डे टू तक सेम. बट देन कम्स डे थ्री, जब नर्वसनेस एंड कैमरा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा चला गया एंड आई वॉज प्रिटी कम्फर्टेबल. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज कम्फर्टेबल. तो मैं अपने लाइन्स इतना भूल नहीं रही थी, अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी एंड एक्ट भी कर रही थी. और जब मैंने डे वन एंड टू के वीडियोज़ को डे थ्री के साथ कंपेयर किया, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे परफॉर्मेंस में वो ऑकवर्डनेस दिख रहा है जो डे थ्री में बिल्कुल नहीं था. सो दैट्स नाइस. एंड देन कम्स डे फोर, जब ऑब्वियसली मैं मेरा जो कॉन्शियसनेस एंड ऑल था वो सब तो हट गया था एंड देन ओनली थिंग वाज कॉन्फिडेंस. तो डे फोर में मैंने पूरी मेहनत की कि मैं कॉन्फिडेंस लगूँ कैमरे के सामने एंड आई डिड दैट एंड मेरा जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी मैंने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया था. सो डे फाइव तक भी मैंने अपना कॉन्फिडेंस को अच्छे तरीके से लाया. उसके बाद आता है डे सिक्स एंड सेवन, जहाँ मैं बता देती हूँ कि ऑफकोर्स वन वीक में मैं कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो बन नहीं सकती, बट हाँ कि कैमरे के साथ जो एक मेरा रिश्ता बन गया है अब इस वन वीक में, ये काफ़ी अच्छा है. अब मुझे कैमरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं होती हूँ एंड आप देख ही सकते हो कि मैं कितने कॉन्फिडेंटली आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ. एंड अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट्स वेरी नाइस. जो आपको ऑलरेडी अब तक समझ आ ही गया होगा मेरी इतनी बड़ी स्माइल देखकर. सो यस एंड आई फील रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे एक कम्युनिटी में मौका मिला है एंड यस आई रियली फील वेरी लकी. सो दैट्स इट. थैंक यू.